तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तो तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। देखो अभी जाग ले के फिर ये हसी रात हो न हो, ओ हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ओ लग जाग ले के फिर ये हसी रात हो न हो, ओ हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ओ लग जाग ले से फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, ओ हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवी। नमस्कार, मेरा नाम है निष्ठा।
अभी तक आपने रागिनी पे कई बड़े कलाकारों, कई स्थापित कलाकारों के इंटरव्यू देखे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जो है फ्यूचर की स्टार। दीदी, फ्यूचर की स्टार नहीं, वो आज ही की स्टार है। आज ही की स्टार, तो चलिए मिलते हैं प्रज्ञा मेधा सरकार से। हेलो प्रज्ञा, वेलकम टू रागिनी। हाय, थैंक यू। प्रज्ञा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। पहले मैं ये पूछूंगी कि आपको इतने अच्छे अच्छे गाने सिखाता कौन है? कुछ कुछ गाना तो मैं ऐसे सुन के सीख लेती हूँ और कुछ कुछ गाना मेरी मम्मी सिखा देती है। अच्छा प्रज्ञा, आप जो इतने सारे गाने गाते हो, आपका जो गाने का शौक है, तो आपने गाना सीखना कब और कैसे शुरू किया? वैसे मुझे तो गाना गाने में बहुत अच्छा लगता है और जब से मैं छोटी थी तब से मुझे गाना बहुत पसंद है। अच्छा प्रज्ञा, आपको कौन कौन से सिंगर्स के गाने अच्छे लगते हैं? आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है? वैसे तो मैं बहुत लोगों के ही गाना सुनती हूँ, लेकिन मुझे ना आशा भोसले, लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की गाने बहुत पसंद है इन लोगों की। अच्छा प्रज्ञा, मुझे एक और बात पूछनी थी कि जब आपकी इतनी तारीफ होती है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? आपको चॉकलेट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, क्या करते हैं? जब अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं तब तो मुझे अच्छा लगता ही है और मम्मी पापा तो अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं और तो वो अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी खाना बना के देते हैं, क्योंकि आजकल तो घर से बाहर नहीं रह सकते क्योंकि आजकल तो कोरोना है ना। अच्छा प्रज्ञा, अब बातचीत तो बहुत कर ली, आप हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हो? मैं कुछ दिन पहले मैंने एक गाना गाई थी और वो गाना मैंने फादर्स डे पर गाया था और वो गाना मैं फिर से गा रही हूँ। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तो मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी दीदी प्रज्ञा कितना अच्छा गाती है। तो प्रज्ञा, इसी बात पे एक और गाना सुना दो। लख जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, ओ हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, ओ लख जा गले के फिर ये हसी रात।
जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर हसीरात हो ना हो, ओ हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। प्रज्ञा, जब पापा मम्मा के फ्रेंड्स घर पे आते हैं तो आपसे बोलते हैं बेटा गाना सुनाओ? जब घर में कोई कोई आते हैं वो सब तो बोलते ही हैं कि एक गाना सुना दो, और रास्ते में अगर कोई मिल जाए वो भी बोलते हैं एक गाना सुना दो, और स्कूल में भी सेम ही होता है। अच्छा प्रज्ञा, सोशल मीडिया पे आपको पूरे देश ने इतना देखा है, इतना प्यार दिया है, पर मुझे आप ये बताओ आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है जय हो शंकर। तो मैं दो लाइन सुना देती हूँ। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। उम्मीद है आपको इस बातचीत में मजा आया होगा। हमें इतने अच्छे अच्छे गाने का सुनने को मिले और ऊपर से इतनी क्यूट सी प्रज्ञा को मिले। तो एंड में प्रज्ञा, हम दोनों की तरफ से और रागिनी की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।